आज है 27 जून और आज बहुत ज्यादा गर्मी है। पिछले दिनों मौसम काफी बेहतर हुआ हुआ था, 3-4 दिन तो ऐसा मौसम था, ऐसा लग रहा था कि सर्दी वापस आ गई है। 22 जून हालांकि हर साल जो है वो सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन शुमार किया जाता है और होता भी है ऐसा, लेकिन इस साल जो है उसमें बिल्कुल ही गर्मी नहीं थी। मुझे याद है कि उस दिन पंखा भी नहीं चल रहा था। उन दिनों लोग ये कह रहे थे कि अब जो बस मौसम चेंज हो गया, अब तो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, अब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो आज फिर से मेरे ख्याल से 45 डिग्री टेम्परेचर है और मसला ये है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, बिल्कुल वो हब्स वाला मौसम है। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल जो हैं वो कटे हुए हैं, कट के इतने छोटे हो गए हैं कि अब वो मेरे से खुद नहीं संभाले जा रहे। मुझे मेरे ख्याल से ज़्यादा आदत हो गई थी बड़े बालों की, अब मुझे ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा है छोटे बालों के साथ। आज मेरे ख्याल से मैं तकरीबन कोई 7-8 दिन के बाद व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब या ऐसा वाला व्लॉग, बस दिल कर रहा था व्लॉग करने का। मैं 1-2 दिन से वीडियोस बना रहा था, इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट वीडियोस, रील्स वगैरह। कल वैसे मैं जिस तरह की वीडियोस बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियोस, कुछ क्रिएटिव रील्स टाइप इस तरह की, तो आपको वो वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको भी पता है इस बात का लेकिन आप नहीं बताते, मुझे नहीं पता क्यों। 80% व्यूअर्स जो हैं वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, मतलब जो 80% लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी दबाएं और हर वीडियो को लाइक किया करें और प्लीज कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे आप मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं या नहीं, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, अभी सीन ये है कि वलीद आ रहा है तो मैं इसके साथ बाहर जा रहा हूँ, जेल रोड तक जाना है, कुछ काम है, मुझे काम नहीं है, वलीद को है। लेट्स गेट रेडी। बहुत गर्मी भाई, वैसे मैंने छांव में खड़ी करके थोड़ी सी ठंडी की है, मैं सही मज़ा आया होगा तुम्हें तो गर्म गाड़ी में। क्या बकवास है, बंदा तो यहाँ पे व्लॉग भी नहीं कर सकता, तो कहता है भाई वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, वीडियो डिलीट कर। मैंने मोबाइल पर जेब में डाल लिया, मैंने एक जगह ये पाकिस्तान है, इधर वीडियोस बनाना, इधर बात करना सब। हाँ, यहाँ पे लोगों के कमरों में डिवाइसेस रखवाना जो है ना वो अलाउ है? नहीं, वो हलाल है। हाँ, खैर हम लोग अभी जा रहे हैं जेल रोड्स। वलीद इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल, जो दिन में सोता है और रात में जागता है। नॉक्टर्नल एनिमल। कल वैसे मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी रील, तुमने देखी है कि नहीं? बड़ी चवल हो यार, इसकी थोड़ी सी आवाज़ ऐसा करते हैं, इसकी हमारी नहीं जा रही, गर्मी लगती है, हमारी आवाज़ नहीं जा रही होगी, कोई बात नहीं, खैर है, इसकी शान, दे डोंट इवन केयर। फिर हम ऐसा करते हैं साइन लैंग्वेज में बात कर लेते हैं या कैमरा ऐसे रख लेते हैं और बस तुम ड्राइव करते रहो, नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, गर्मी बहुत है, एसी इज मोर इम्पोर्टेंट, एसी इज ब्लिस। पाकिस्तान मेड वीजल आ रही है, तो मैं वलीद को कह रहा था कि वीजल ये लोग बनाएंगे, उसमें हाथ से शीशे चढ़ाएंगे आप, और वीजल की कीमत होगी सिर्फ 2 करोड़, और अगर आपने उसमें पावर विंडोज लेनी है तो वो आपको सिर्फ 3 करोड़ की पड़ेगी। नहीं वैसे उसमें आप शीशे आप बटन से ऊपर नीचे कर सकेंगे। नहीं, जिसमें अभी तुम बैठे हुए हो ये भी होंडा की मतलब बेस मॉडल था, एंड इफ यू नोटिस होंडा सिटी एज वेल, आपको वो शीशे नहीं मिलेंगे, तो ये टोयोटा करती है बेसिकली, ये होंडा नहीं करती। अरे टोयोटा को अभी तक अकल नहीं आई इस बात की कि यार चलो चीज बटन तो लगा ही दें। उन्होंने कहा यार बटन नहीं लगाते हम गाड़ियां ही बंद कर देते। हां, एक्सेल है, जीएल है, जब बेचनी नहीं ऐसी, हां लगो मेरा।
हो सकता है कि अब होंडा को भी अकल आ जाए, क्योंकि उस टाइम हालात कुछ और थे कि अगर हुकूमत 2,000 देती है तो फिर बटन लगा देंगे, नहीं तो भाई ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आपको, हाथ से शीशे ऊपर करो। मतलब हम ही हैं क्योंकि आज वलीद भी साथ है, तो अभी जेल रोड आए हैं। यहाँ से इसने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लेनी थी, वो गया है अभी अंदर रिपोर्ट्स लेने और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मेरी और वलीद की बातें जो हैं वो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल हो जाती हैं, तो मतलब पॉलिटिकल एज इन ऐसा नहीं कि हम लोग लड़ने लग जाते हैं, हम दोनों के व्यूज सेम हैं, कभी कभी इख्तलाफ हो जाता है लेकिन वीडियोज़ के हवाले से वो थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो जाता है, इसलिए मैंने जो है वीडियो बंद कर दी। मैं लॉक कर लूँ इससे पहले कि बाहर से कोई आ जाए ज़रूरतमंद। आजकल तो लाहौर के हालात भी ऐसे ही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक शॉप में गया, मुझे पता था कि किसी शॉप में या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाके वीडियो वगैरह बनाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने सिर्फ मोबाइल नीचे रखा और वीडियो ऑन थी और मैं सिर्फ अपने पाँव की और हाथ की और मतलब इस तरीके से फ्रिज की वीडियो मैंने बनाई, जिससे उनकी पॉप की आइडेंटिटी शो नहीं हो रही थी। वीडियो मैंने इस तरह ही बंद की, शॉपकीपर सेड के भाई वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसको बंद करें और वीडियो डिलीट करें। मैंने उसे बोला कि मैंने सिर्फ अपने पाँव की और अपने हाथ की बनाई, मुझे पता है आपकी मैंने शॉप की कोई वीडियो नहीं बनाई, तो वो मुझे कहता है कि नहीं नहीं आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। मैंने फिर मोबाइल जेब में डाल लिया, मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा डिलीट। ये बड़ा मसला है यार आजकल, यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ अगर आप मतलब आप प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे वीडियो नहीं बना सकते, आप किसी हिस्टोरिक प्लेस पे वीडियो नहीं बना सकते, सड़क पे वीडियो नहीं बना सकते, कैंट एरिया में वीडियो नहीं बना सकते। और ये वलीद आ गया है, टेम्परेचर अभी है 40 डिग्री, वेदर ऐप खुद ही बता रही है कि इट फील्स लाइक 51, तो वो कह रहे हैं कि लगेगा तानू एन जी के 51 है लेकिन है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अच्छी बात ये है कि वेदर फोरकास्ट के अंदर ही इस एक वीक के बाद टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा, 37-36 तक जाएगा, बारिशें होंगी, होपफुली बारिशें होंगी तो उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा और फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। ये मतलब मेरी ख्वाहिश है, कितनी जल्दी होगा ये मुझे नहीं पता, होना तो है। अभी मेरा फ़ोन गिरने लगा था, फिर लग जानी थी सर्दियों की भी और गर्मियों की भी। मेरे जैसे बंदे को पहली प्रॉब्लम है पब्लिक में व्लॉगिंग करने की, ऊपर से इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे कैमरा नहीं निकाल सकते, वैसे किसी रोड पे कैमरा नहीं निकाल सकते, कैंट एरिया में आप कैमरा नहीं निकाल सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे, शॉप्स पे, मॉल्स में, वहाँ पे आप कैमरा नहीं निकाल सकते, पार्क्स में आप कैमरा नहीं यूज़ कर सकते। एक तरह से तो मेरे लिए अच्छा ही है कि इजाज़त ही नहीं है तो बंदा लेकर क्यों जाए, लेकिन अगर कहीं बंदे का दिल कर ही आता है या मतलब बंदा अगर हिम्मत कर ही लेता है कहीं पर कैमरा निकाल के कहीं कि आज मैं इधर व्लॉग करूँगा, तो उधर से किसी ना किसी की आवाज़ आती है, भाई जान भाई इधर अलाउ नहीं है आपको, इधर इधर कैमरा नहीं यूज़ कर सकते आप, नहीं पाए नहीं ऐसा हो नहीं सकता यार, कोई बात नहीं मैं किसी की वीडियो नहीं बना रहा अपनी, नहीं पाए ना अलाउ नहीं ना है, ऐसे इजाज़त लेनी पैंती है, किससे इजाज़त लेनी है, पाए ना तू इजाज़त तुम्हें पता होना चाहिए ना कितों लेनी है, भाई किधर से लेनी है इजाज़त मुझे बता दो, पता होना चाहिए तुम कैमरा लेके आए हो तुम पता हो कितों इजाज़त लेनी, मतलब उनको खुद भी नहीं पता होता कहाँ से इजाज़त लेनी है, लेकिन लेनी है बस लेके आओ इजाज़त, हमें नहीं पता। ये मोबाइल वाले कैमरे की कहानी आपको बता रहा हूँ, जो दूसरा कैमरा है उसकी तो अभी मतलब मैंने ज़्यादातर कहीं पे कोशिश भी नहीं की, उसके साथ भी होता है ऐसे ही है कि जब कहीं पे निकाल लो तो वो फटाफट कोई ना कोई बंद करवाने आ जाता है, तो उसका तो नुकसान ही बड़ा है अगर उसके ऊपर किसी ने हाथ मार दिया या उसको गिरा दिया तो कुछ, तो वो फिर ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो फिर चिड़ी उचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ ये ऑफलाइन गेमिंग ही ठीक थी पहले, ऑनलाइन गेमिंग में मज़ा तो आता है लेकिन ये हर वक्त की इनकी जो अपडेट्स आई रहती हैं इसकी मुझे समझ नहीं आती, बस 6 दिन लगा के एक अपडेट करो, क्योंकि अब जाहिर है आवाम दोस्त गवर्नमेंट आई हुई है तो बिजली भी बार बार चली जाती है, इसको डाउनलोडिंग पे लगा के भी नहीं छोड़ सकते और वो बंद हो जाती है डाउनलोडिंग, फिर ये है कि आप वैसे लगा के छोड़ दें तो लाइट ऊपर नीचे हो जाए, अक्सर जो है हमारे दिन में कोई 3 से 4 दफ़ा तो वोल्टेज कम होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर बढ़ जाएगा फिर उसको ठीक करवाने लग जाएंगे, अब 2,000 में सारे काम तो नहीं ना हो सकते। ये
है मुझे मसला समझ में नहीं आता कि यार क्यों मतलब इतना ज़्यादा क्यों अपडेट्स आती हैं और फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा होता उसका। हर अपडेट आने के बाद आपको गेम दोबारा से ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है। PS4 पे PS5 पे ये मसला तो नहीं था ना, उसके ऊपर कोई गेम वगैरह ऑप्टिमाइज़ तो नहीं करनी पड़ती थी। PC के ऊपर ये वाले रोले बड़े हैं कि गेम की सेटिंग सेट करो, चल ही नहीं रही है, कभी इंटरनेट की स्पीड जो है उसको पसंद नहीं आ रही, कभी फाइल करप्ट हो गई है, अब इसकी फाइल्स वैलिडेट करो। अजीब रोले हैं वैसे PC गेमिंग के भी ना। गेमिंग करता है बंदा शौक के लिए, ये अजीब यब बनाया हुआ है इन्होंने। ये इतनी ज़्यादा नॉलेज क्यों चाहिए गेमिंग करने के लिए? मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मतलब गेम ऑन करे, बंदा खेले, इंजॉय करे, बंद करते। पहले तो ये जो सारा सीन है, हर चीज़ पेड है, पहले फ्री में मिल जाती होती थी गेमें, लेकिन अब फ्री में नहीं मिलती, खरीदनी पड़ती हैं। खरीद लो फिर उनकी अपडेट्स ही नहीं ख़त्म होती। ज़्यादातर मुझे टाइम मिलता नहीं है, काम कर रहे हो तो गेम नहीं खेल सकते, तो जब मेरा दिल करता है कि यार अब फ्री हूँ मैं गेम खेल लेता हूँ, गेम ऑन करता हूँ, उसकी अपडेट आई होती है और वो फिर अपडेट ही होती रहती है, फिर मैं थक जाता हूँ, मैं कंप्यूटर बंद कर देता हूँ, थक गया हूँ और मैं कंप्यूटर भी बंद करने लगा और ब्लॉग भी बंद करने लगा। अल्लाह हाफिज़।